शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया में अगर आप तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर गए तो ज्यादा जेब भी ढीली करनी होगी। एयरलाइंस ने एक्स्ट्रा लगेज पर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की है। अब तक तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर आपको 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने होते थे, लेकिन अब आपको 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चुकाने होंगे। एयर इंडिया के बढ़े हुए चार्जेस 11 जून से लागू हो रहे हैं। एक्स्ट्रा लगेज पर लगाने वाले चार्ज पर जीएसटी भी चुकाना होगा। आपको बता दें कि एयर इंडिया की इकोनॉमिक फ्लाइट में फ्री लगेज की सीमा 25 किलो है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल शालिनी, जैसे कि आपने बताया कि एयर इंडिया ने 11 जून से या 11 जून के बाद की जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट हैं उस पे जो अगर आप तय मानक से या जो आपकी लिमिट है उससे ज्यादा आप बैगेज ले जाते हैं तो प्रति किलो एक्स्ट्रा बैगेज पे आपको 500 रुपए का शुल्क देना होगा। लेकिन शालिनी, सीधे तौर पर इसका ये मतलब है कि एयरलाइंस पर बढ़ी हुई तेल की कीमतों का जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। ऑपरेशंस यानी कि खर्चा निकालना उनको मुश्किल पड़ रहा है और ये उनके फाइनेंशियल बुक्स पर इसका दबाव जो है उसी का नतीजा है कि अब एयरलाइंस इस दबाव को कम करने के लिए अलग अलग तरीकों से कमाई को बढ़ाना चाह रही है। इससे पहले हमने देखा था कि इंडिगो एयरलाइन ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे जो है वो यात्रियों पर लगाए थे। एयर इंडिया ने इसी का तोड़ निकाला है बैगेज के रूप में और ये जो बढ़ी हुई कीमत है, ऑपरेशंस का खर्चा बढ़ गया है, उसका नतीजा है कि अब अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग रास्तों से पैसा कमाना चाहती हैं। नेशनल एयरलाइन एयर इंडिया जो है बैगेज में उसने ये नया नियम लागू किया है जिसमें कि आपके जो पहले 400 रुपए प्रति किलो लगता था अतिरिक्त बैगेज पर वो अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए।